Hello class, our today's topic is drawing of peacock. Peacock ko kis tarah se easily draw kar sakte hain. I will explain you. To hum aaj peacock draw karte hain. Dancing peacock aap kis tarah se draw kar sakte hain. Iske liye hum pehle उसके विंग्स ड्रॉ करेंगे अभी. उसके सर पे क्राउन बनाएंगे. अभी ऊपर इसका आपने देखा होगा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. अब इसकी दो लेग बनाते हैं. जो पीकॉक के लेग होते हैं थोड़े ज़रा लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं. अब इसको ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर कर लेते हैं. बॉर्डर करने के बाद
यहाँ पर हम पहले एक ग्राउंड बना रहे हैं, अभी इसकी पिकॉक के आइस बनाएंगे। अभी सब पेंसिल का जितना भी हमारा मार्क है वो सब इरेज कर देंगे, उसके बाद हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। हम इसमें स्केच पेन से कलरिंग करेंगे, उसकी जो बॉडी होती है वो पर्पल कलर की होती है, तो हम उसकी बॉडी में यहाँ पर पर्पल कलर यूज़ करेंगे। उसकी बीक जो है रेड कलर की होती है, तो हम इसमें बीक में रेड कलर देंगे। इसकी आईज में ब्लैक कलर, हम कलरिंग के लिए स्केच पेन यूज़ कर रहे हैं।
अभी इसके अंदर हम कलरिंग करेंगे। पहले बॉडी में पर्पल कलर से कलरिंग कर लेंगे इसकी बॉडी के अंदर। जो पिकॉक के लेग होते हैं फीट होते हैं उसके, इसका थोड़ा कलर ऐसा होता है। यहाँ पर हम येलो और रेड कलर यूज़ करेंगे और उसके बीच में थोड़ा सा ब्लू। बैकग्राउंड में पीछे पेंसिल ब्लू कलर यूज़ करेंगे।
अभी बाकी के पीछे बैकग्राउंड में हम ग्रीन कलर ही यूज़ करेंगे। अभी जो डार्क ग्रीन कलर है इससे हम
अभी नीचे बेस में हम लाइट ग्रीन कलर पेंसिल कलर से करेंगे। हम बहुत ज़्यादा स्केच पेन से पूरा नहीं कर रहे हैं कलरिंग। अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जस्ट जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया है ऐसे ही इसमें ड्रॉ करना है, कलरिंग करना है। सो इजी है, आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, हमने इजी वे में ही ड्रॉ किया है बिल्कुल। और स्केच पेन से कलरिंग किया है, लाइट स्केच पेन बैकग्राउंड में किया है, ऊपर से डार्क ग्रीन कलर से हमने इसमें उसके
फैदर्स होते हैं बनाए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ड्रॉ एंड कलर इट, किस तरह से इसको कलर करना है. ओके क्लास, बाय बाय.